हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं उन छात्रों के लिए जो जिनका ग्रेस किसी सब्जेक्ट में आया है, एक या दो सब्जेक्ट में, और वो ये जानना चाहते हैं कि हम उसमें भरें ना भरें, रीचेक भरें ना भरें। तो देखिए, सबसे पहले मैं टेंडेंसी बता दूँ कि ये मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी है, जैसे हाय नमस्ते सर, हाईवे में मेरा 15 नंबर है, तो रीचेक का फॉर्म फिल कर दें प्लीज़ बताइए। तो आमतौर पे 99% जब मैं इसका जवाब देता हूँ कि हाँ भर दो, तो भरने पे फिर वो ये पूछते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो हम बहुत बार बता चुके हैं, वीडियोस में भी बता चुके हैं, और इसलिए एक बार एक वीडियो और क्लियर कट करके बता रहे हैं कि देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप जो है कोई भी काम करने से पहले किसी से यस करवाना चाहते हैं, ताकि जब उस काम में आपको गड़बड़ी लगे या कुछ घाटा हो जाए तो फिर आप दूसरे पे दोषारोपण कर सकें कि हाँ आपने कहा था, आपकी वजह से हमने भर दिया। देखिए, हम कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट में ये नहीं कह सकते कि इसमें ये भर दें या नहीं भर दें। हम पूरी कंडीशन आपको बता चुके हैं कि ग्रेस अगर 15 नंबर है, यानी कि 2 नंबर का ग्रेस मिला है, तो 2 मार्क्स का ग्रेस जो है वो हटाने के लिए अगर आप रिवोल्यूशन भरते हैं तो आपके बढ़ भी सकते हैं नंबर, आपके कम भी हो सकते हैं। कम हो करके अगर 12 तक हुए कम तो 5 नंबर का ग्रेस हो जाएगा, और अगर 12 से भी कम हो गए तो फिर आपकी बैक भी लग जाएगी, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी। अब मैं कुछ सिचुएशन आपको समझा देता हूँ कि देखिए संभावनाएं क्या होती हैं, कब आपको भर देना चाहिए बैक, मतलब रिवोल्यूशन। तो अगर आपके नंबर, जैसे मान लीजिए इसी बच्चे की बात करें, इसके 15 ना मार्क्स हैं, ठीक है ना, 17 होते तो ये क्लियर पास हो जाता, 15 होने की वजह से इसको ग्रेस 2 मिला हुआ है, ठीक। अब ये स्टूडेंट को ये देखना चाहिए, अपना आत्मविश्लेषण करें, अपने मन से पूछें कि आप उस पेपर में कितने नंबर का करके आए थे। अगर आप उस पेपर में 30+ का करके आए हैं, आपके हिसाब से ये 30+ हैं, एग्ज़ामिनर के हिसाब से क्या है वो तो एग्ज़ामिनर जानता है, तो इसीलिए मैं इतना बफर लेके चल रहा हूँ। अगर आप 28-30 नंबर से ज़्यादा का करके आए हैं, तब तो आप रिवोल्यूशन भरें, आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे। लेकिन अगर आप इसमें 20-22 नंबर का ही करके आए हो, तो ये 20-22 नंबर केवल आप बोल रहे हो अपनी तरफ से, एग्ज़ामिनर के लिए वो कितना है क्या है तो वो एक अलग चीज़ है। तो 20-22 नंबर अगर हैं और आप इसमें रिवोल्यूशन भरते हो, तो फिर आपके चांस रहेंगे कि आपकी कॉपी सॉफ्ट एग्जामिनर पे जाती है या हार्ड एग्जामिनर पे जाती है। सॉफ्ट पे गई तो 15 के 17 हो भी सकते हैं, लेकिन हार्ड पे गई तो हो सकता है कि 15 के 15 ही रह जाए, और या फिर हो ये भी हो सकता है कि 15 के आपके 17 भी हो सकते, नहीं 15 से कम भी हो सकते हैं, हार्ड पे गई है ना, तो इसलिए आपके 15 से कम भी हो सकते हैं नंबर। 15 से कम होकर के हो सकता है सब 7-8 रह गए, तो आपकी फिर बैक बन जाएगी और वो फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर की मार्कशीट में वो दिखाई देगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में तो आपका है, अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो फर्स्ट ईयर में तो आप जो है वो ग्रेस है, तो उसके हटाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि सेकेंड ईयर में वो चली जाएगी, अगर वो बैक भी बन गई तो सेकेंड ईयर में दे दोगे आप। लेकिन बैक में भी देखा गया है कि बैक की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के, और उसके साथ बैक की तैयारी नहीं हो पाती है, तो ज़्यादातर बच्चों की वो बैक निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे सेकेंड सेम की बैक बच्चों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि सेकेंड सेम की जो बैक है वो केवल वो 4th सेम में दे पाते हैं, और उसमें भी अगर क्लियर नहीं हुई तो फिर 6th सेम में बस लास्ट ऑप्शन रहता है, और यहाँ पर नहीं हुआ तो वो सीधे स्पेशल बैक बनती है। इसलिए आपको सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई और 4th सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, 6th सेमेस्टर मतलब इवन सेमेस्टर की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उनके बैक देने के चांस जो हैं वो कम मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं और ग्रेस है आपका, तो उस केस में अगर आपका नहीं वो बन पाया, पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर वो फाइनल में सब्जेक्ट जाएगा, फाइनल की मार्कशीट में वो सब्जेक्ट की एंट्री होगी, और साफ साफ पता लगेगा कि इस बच्चे को ये सब्जेक्ट में अलग से नंबर ये चढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये इसकी बैक थी। समझने वाले सब समझ जाएंगे। तो इसलिए इतना सब सोचने के बाद अगर आप अच्छा पेपर करके आए हैं तो आप उसमें जाएं, बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन बिल्कुल रिवोल्यूशन भरें। लेकिन अगर आप 17, 18, 20, 22 नंबर 25 नंबर तक का करके आए हैं, तो ये आपके हिसाब से होता है। असल में आपने जो भी लिख दिया वो पूरा 100% अगर सही नहीं है तो आप तो उसके नंबर पूरे जोड़ रहे हो, और एग्ज़ामिनर हो सकता है उसे पूरा ही काट दे, ये हो सकता है 1 नंबर दे दे, हो सकता है 1.5 नंबर दे दे, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो उसी का मतलब बता रहा हूँ मैं, हार्ड और सॉफ्ट एग्जामिनर। तो आप अगर मतलब अब किसी को अगर ग्रेस बिल्कुल ही नहीं पसंद है
तो फिर वो अपना हटाने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि ग्रेस हटी तो फिर हो सकता है चांसेस कम हो गए नंबर, तो चांसेस फिर बैक तक भी बढ़ सकते हैं, ग्रेस बढ़ सकती है। ग्रेस बढ़ करके 12 नंबर आ गया तो 5 नंबर की ग्रेस हो जाएगी, और अगर 11 नंबर कहीं पहुंच गए जा करके तो फिर आपका वो बैक बन जाएगा जा करके। तो इस हिसाब से आप अपने को आत्मचिंतन करें, आप देखें कि आपने क्या करके आए हैं उस पेपर में, और उस हिसाब से डिसीजन लें। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना कि आप हमसे ये पूछें कि इसमें इतने नंबर हैं क्या रिवोल्यूशन भर दूं, तो भर दीजिए, उसमें कोई मतलब बोले, लेकिन यही है कि कम होंगे या ज़्यादा होंगे ये आपका अपना मन जानता है इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को हम नहीं जानते। आप तो कह रहे हो कि हम 30-40 नंबर का करके आए हैं, लेकिन वास्तव में कॉपी में क्या है वो तो कॉपी में ही लिखा हुआ है ना। तो इसलिए अपने मन से पूछिए और उसी के हिसाब से निर्णय लेकर के आप रिवेल्यूएशन या रीचेक का फॉर्म उसको भरेंगे। अभी फ़िलहाल कोई मतलब इतना ही मुझे समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का जवाब दें। और मैं इस वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसे रूल्स बीटी यूपी के जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट यूपी बीटी रूल्स एंड रेगुलेशन को रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जो है और वीडियोज़ या चैनल पर सर्च जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।